दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक फैमिली पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो हमेशा गिरती ही जा रही, मतलब एक गिरी हुई एप्लीकेशन जो कि 2-3 दिनों में इतनी गिर गई। आप लोगों को अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि मैं बात किस एप्लीकेशन की कर रहा हूँ। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक के बारे में। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे ये यूट्यूबर हैं इल्विस भाई, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाते हैं, उन्होंने इस लॉकडाउन के टाइम पर एक रोस्ट वीडियो अपलोड की थी। टिकटॉक से कुछ वीडियो उठा के कुछ टिकटॉकर्स का रोस्ट किया था। तो कुछ टिकटॉकर्स को उनका रोस्ट बुरा लगा, तो सबसे ज़्यादा बुरा लगा आमिर सिद्दीकी, जो टिकटॉक की एक बेटी है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया टिकटॉक यूट्यूबर्स के लिए। तो उसमें उन्होंने यूट्यूबर्स को मतलब बहुत सारे ऐसी बातें बता दें कि मतलब यूट्यूबर्स जो होते हैं वो कंटेंट चोरी करते हैं, क्रिंच कंटेंट बनाते हैं, या ऐसा कुछ बताया था। तो उसके बाद ऐसा घमासान मचा दोस्तों यूट्यूब पे। उसके बाद फिर हमारे जो कैरी भाई हैं, कैरी मिनाटी, अगर आप नहीं जानते तो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत ही टॉप मोस्ट यूट्यूबर हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, उससे उनको बहुत ही मोस्ट लाइक्ड वीडियो इंडिया की नॉन म्यूजिक कैटेगरी की उनकी जो वीडियो थी वो होने वाली थी। तो यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया। डिलीट क्यों किया दोस्तों, कि उसमें कुछ उन्होंने कुछ अलग तरीके के बात बोली थी, कुछ उसमें उन्होंने अलग तरीके का मतलब अपनी भाषा शैली अलग रखी थी। गाली गलौज तो मान लो थोड़ा बहुत चलता ही है, तो इस कारण से उसमें बहुत सारी रिपोर्ट की गई, जिससे यूट्यूब इंडिया ने उनकी वीडियो को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद दोस्तों फिर टिकटॉक पे कहर सा ढा गया। तो मतलब टिकटॉक पे इतना बड़ा घमासान मचा कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, कुछ दिन तक तो उन्होंने ट्रेंड में डाल दिया टिकटॉक को बैन करने के लिए। टिकटॉक को बैन करने के लिए हैशटैग डाल दिया ट्विटर पे, जो कि 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और उसके बाद उसकी रेटिंग घटती जा रही थी। कल मैंने देखा था तो दोस्तों कल 1.3 की रेटिंग थी, 1.3 स्टार टिकटॉक की रेटिंग थी। आज मैंने देखा तो 1.2, इस तरीके से घट रहा है दोस्तों। हमको लग रहा है आगे आने वाले टाइम पे कि ये 1 की रेटिंग में आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि 1 के नीचे किसी भी एप्लीकेशन की रेटिंग नहीं जाती। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टिकटॉक बंद हो तो उसकी रेटिंग से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टिकटॉक को बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पर इतने सारे कूड़ा कंटेंट भरे पड़े हैं यार। मैंने पर्सनली उसको देखा टिकटॉक में, मैं टिकटॉक चलाता था बहुत दिन पहले, फिर उसको अनइंस्टॉल कर दिया। फिर मैंने टिकटॉक को इंस्टॉल किया देखने के लिए कि क्या सच में कूड़ा है। भाई विश्वास नहीं मानोगे, सच में इतने घटिया कंटेंट बना बना के डाले, मतलब घटिया कंटेंट टिकटॉक खुद ही प्रमोट करता है। तो इतने ज़्यादा क्रिंच कंटेंट, इतने ज़्यादा घटिया कंटेंट, तो इसको बैन ही कर देना चाहिए इंडिया से। सबसे अच्छी बात यही है कि इसको बैन ही कर दें। ये दोस्तों मेरा खुद का ओपिनियन है। तो आप दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मारो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।